नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एरावट के यूट्यूब चैनल में। आज हम अपने करंट अफेयर प्रोग्राम खबरनामा के अंतर्गत 8 मई और 9 मई की न्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ आईपीसी की धारा 124A से संबंध रखती है। यह चर्चा में क्यों है, चलिए इसको देखते हैं। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, करने फैसला दिया था कि देशद्रोह की धारा ये 124A है, आईपीसी की धारा जो 124A है, जिसे देशद्रोह कहते हैं, देशद्रोह की धारा भी कहा जाता है, इसको विचार करने की आवश्यकता है। क्यों पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके जो प्रावधान दिए हुए हैं, या कहते हैं कि हिंसा के लिए उकसाने वाली गतिविधियों या इरादों या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति से संबंधित गतिविधियों तक सीमित कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने इसको मना कर दिया है कि इसको जो है फिर से दोबारा इस पर गौर करने की, इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह धारा चर्चा में आ गई है। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा प्रश्न में कि जो है आईपीसी की धारा 124 का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे कि देशद्रोह की धारा है, या देशद्रोह की धारा है, यहाँ से इसको इसका संबंध है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। बस इसमें आपसे इतना ही पूछा जा सकता है कि आईपीसी की धारा 124A का संबंध किससे है, तो यह देशद्रोह से है। ठीक है, ये एक नाम है जस्टिस पारदी वाला, ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे इनकी तस्वीर दी हुई है, ये चर्चा में है। तो ये चर्चा में क्यों है देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जस्टिस पारदी वाला है, ये अगले CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, और इनके संबंध में लिखा गया है कि यह पारसी समुदाय से संबंधित 6th सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। इनके संबंध में एक और उपलब्धि है कि 2015 में केस आया था हार्दिक पटेल का, तो इसके संदर्भ में इन्होंने यह वक्तव्य दिया था कि आरक्षण और भ्रष्टाचार दो चीज़ें हैं जिन्होंने देश को सही दिशा में आगे बढ़ाने में जो रोका है, बढ़ाने के लिए प्रोग्रेस को रोक दिया है, कम किया है। यहाँ पर इंग्लिश में देख लीजिए, रिजर्वेशन एंड करप्शन आर टू थिंग्स दैट हैव नॉट अलाउड द कंट्री टू प्रोग्रेस इन द राइट डायरेक्शन। जो ये करप्शन और रिजर्वेशन दो शब्द हैं, दो चीज़ें हैं, इन्होंने देश की उन्नति को सही दिशा में जाने से रोका है। तो जैसे आप एथिक्स का पेपर लिख रहे होंगे, तो आप स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ये चीज़ें आई थी, कि यहाँ पे डिसीजन में कहा गया था कि भ्रष्टाचार जो है और आरक्षण के जैसे मुद्दे आते हैं, यहाँ पर आप इस कोर्ट को लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में सांसद का मूल्य कम होगा। इस बार जो राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, इसमें सांसद का मूल्य कम हो जाएगा। अब कम क्यों हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा अनुपस्थित है, अभी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो यहाँ पर अभी जो है ये विधानसभा काम नहीं कर पाई है, इसलिए सदस्यों की कुल सदस्य संख्या से। ठीक है, बस इसमें आपसे इस न्यूज़ के अंतर्गत इतना ही पूछा जाएगा। इसके बाद अगली न्यूज़ है कि भारत में 30% महिलाएं शारीरिक यौन हिंसा का शिकार हैं। एक NFHS की रिपोर्ट आई है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया हुआ है अभी हाल ही में, उसकी न्यूज़ है। इसके आगे इसकी डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30% वोमेन इन इंडिया सब्जेक्टेड टू फिजिकल सेक्सुअल वायलेंस, तो हम ऊपर ही देख चुके हैं लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है ओनली 14% ऑफ वोमेन who have experienced physical or sexual violence by anyone have brought the issue up. केवल 14% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने इस इशू को उठाया है, जिनके खिलाफ हिंसा हुई है, इस इशू के संबंध में आवाज़ उठाई है, केवल 14% हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये कम हुआ है, 31% से घट करके 29.3% हो गया है, तो ये कम हुआ है। यहाँ पे आपको इतनी बात याद रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो 18 से 49% की महिलाएं हैं, उन्होंने लगभग अपनी 15 वर्ष की आयु तक में सेक्सुअल वायलेंस का सामना किया है, और 6% महिलाएं ऐसी हैं जो अपने पूरे जीवन में, पूरे लाइफ टाइम में सेक्सुअल वायलेंस का सामना करती हैं। ठीक है, बस आप इसमें इतनी ये जो है डेटा आप शायद प्रीलिम्स में ना पूछा जाए, लेकिन जो मेंस के टॉपिक है ना, जो महिलाओं से संबंधित हैं, पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 4 में भी कहीं कहीं आप यूज़ कर सकते हैं इवन, और इसके बाद में एस्से जो है, ठीक है, जो एस्से है वहाँ पर आप ये डेटा अगर इंक्लूड करते हैं तो आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, आपका आंसर जो होता है एनरिच हो जाता है। ठीक है,
जैसे महिलाओं का हिंसा आ जाए या महिलाओं से संबंधित मुद्दे या सशक्तिकरण की बात आ जाए या उनके लीगल राइट्स की बात, उनके लीगल अप्रोच की बात आ जाए, तो वहाँ पर आप इस डेटा को इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगली न्यूज़ भी महिलाओं से संबंधित है। हाल ही में अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया है, आप सभी को पता है। तो तालिबान ने एक नियम निकाला है कि जो महिलाएं हैं अफ़गानिस्तान की, ये पूरा सिर से पैर तक ढकेंगी। मतलब ये देखिए यहाँ पे जो है पूरा महिलाएं इस तरह से अपना पूरा सर से पैर तक पूरा उनका कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए, इस तरह से ढकेंगी। हाल ही में भारत में अभी ने देखा कि कर्नाटक में भी हिजाब विवाद ऊपर आया है। तो किस तरह से महिलाओं के जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है देश में विदेश में, इस तरह से आप इस मुद्दे को भी उठा सकते हैं। ये मुद्दा भी आपका मेंस में काम आएगा। अफगानिस्तान का मुद्दा आप लिख सकते हैं कि महिलाओं की आज़ादी को, स्वतंत्रता को किस प्रकार से बाधित किया जा रहा है, और अगर राज्य में जो राजनीतिक दृष्टिकोण जैसा है वह महिलाओं के अधिकारों को किस प्रकार से नकारात्मक रूप से या सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो आप नकारात्मक रूप से यह देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में जो तालिबान का शासन आया उसने महिलाओं के लिए ऐसा कोई आदेश जारी किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत में जो NHFS का डेटा जो आया है उसमें ये बताया गया है कि भारत का जो TFR है, कुल प्रजनन दर है, वह 2.2% से घटकर के 2.0% हो गई है। इस आर्टिकल को हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है, तो अभी इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस इसकी मेन न्यूज़ पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ ग्राफ आया है, ये हमने न्यूज़पेपर से कवर किया है। इस ग्राफ को आप इसमें ये देखेंगे कि यहाँ पर पॉपुलेशन देखेंगे तो जो पॉपुलेशन हो गई है 2021 में 138.93 करोड़ हो गई है, इतना आपको याद रखना है। ग्रोथ रेट यहाँ पे 21 में देखेंगे तो 17.84% हो गई है इधर। और इसके बाद में यहाँ पे हम जब चाइल्ड वाला देखेंगे ना पॉपुलेशन, तो ये एज का देखेंगे तो ये जो है ना चाइल्ड की ये 156 हो गई है इधर से, और इधर यहाँ पे हम देख ही चुके हैं ये वाला टोटल पॉपुलेशन को। इस वाले डेटा में हम इतना देखेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पे फोकस करना है। यहाँ पर क्या है, ये TFR कम हो गई है, 2.0 हो गई है, और यह रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे चली गई है, इसलिए यह मुद्दा बना हुआ है। अब रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, तो रिप्लेसमेंट लेवल होता है 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल होता है, और जो भारत का टोटल TFR हो गया है वो 2.0 हो गया है, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। और केवल 5 स्टेट ऐसे हैं जिनका TFR रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर है। वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं, बिहार है, मेघालय है, यूपी है, झारखंड है और मणिपुर है। इसका जो क्रम है, इनका जो TFR है वो आप याद करके रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है, सॉरी जो नेक्स्ट आपको चीज़ याद रखनी है, वह है इंस्टीट्यूशनल बर्थ का जो क्लाइंबिंग ऑन 79% to 89%, तो ये 10% बढ़ा है। जो संस्थागत प्रसव है वो 10% बढ़ा है। इतनी बात हमें इस आर्टिकल में याद करके रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे, तो नेक्स्ट आर्टिकल है शुक्रयान से संबंधित है। ये क्या है कि शुक्रयान 1 इसरो भेजेगा, देखिए यहाँ पे इसरो भी बना हुआ, देखिए लिखा हुआ है शुक्रयान 1 भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इंडिया ऑन वीनस सून, इंडिया बहुत जल्द ही वीनस पे जाने वाला है। तो यह कब जाएगा, तो हमें देखेंगे इसका नाम क्या है, शुक्रयान 1 है, यह 2024 में भेजा जाएगा। और यह क्या करेगा, शुक्र की सतह और वातावरण का अध्ययन करेगा। बस हम इसमें इतनी ही बात याद करके रखेंगे। इसकी लागत हो सकता है कि पूछती जाए तो 500 करोड़ और 1000 करोड़ के बीच में रहेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय युवा नीति का नया मसौदा आया है। तो इसमें क्या है, तो इसमें हमें एक चीज़ देखेंगे कि यह जो नया मसौदा आया है कि तो यह राष्ट्रीय युवा नीति 2014 की समीक्षा के बाद आया है। पहली चीज़ ये देखेंगे कि राष्ट्रीय युवा नीति 2014 की समीक्षा के पश्चात राष्ट्रीय युवा नीति का नया मसौदा आया है, और यह मसौदा 10 वर्ष के दृष्टिकोण की परिकल्पना करता है और इसे भारत 2030 तक हासिल करना चाहता है। इसमें हमें 3 बातें याद रखनी है कि इस चीज़ से पूर्व जो राष्ट्रीय युवा नीति थी वो 2014 में बनी थी, और नई जो युवा नीति है वह 10 साल का दृष्टिकोण रखती है और 2030 तक इसको हासिल करना है। और इसका जो मसौदा नीति है इसको जो है 13 जून 2022 तक इस पर टिप्पणी भेजनी है नई मसौदा नीति पर। बस हम इसमें इतनी बात देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो पहली चीज़ ये देखेंगे कब हुआ है और कहाँ हुआ है। तो यह 24 अप्रैल 2022 से 3 मई 2022 तक हुआ है। अब यह हुआ कहाँ है, जैन विश्वविद्यालय बेंगलोर में। फिर इस प्रतियोगिता में 20 मैच खेले गए हैं।
इसके बाद अगला क्या है, तो इसमें 210 विश्वविद्यालयों के 3,900 छात्रों ने प्रतिभाग किया है। और इसमें जो है इसका पहली बार मल्लखंबा और योगासन को पेश किया गया है। यहाँ ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से नए खेल जोड़े गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे कि मल्लखंबा और योगासन को पेश किया गया है पहली बार। और यहाँ पर 852 पदक प्रदान किए गए हैं, जिसमें यहाँ पे देख लीजिएगा स्वर्ण रजत और कांस्य पदक कितने कितने हैं। इसके बाद यहाँ पर जो विजेता रहे हैं इनको हम देखेंगे, तो शीर्ष यहाँ पे ये देखेंगे तो पहले स्थान पर जैन विश्वविद्यालय बेंगलोर ही रहा है, जहाँ पे आयोजन हुआ था। इसने 20 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। इसके बाद सेकंड पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पे है, इसने 17 स्वर्ण, 15 रजत और 19 कांस्य पदक जीते हैं। इसके बाद थर्ड स्थान पर पंजाब विश्वविद्यालय रहा है, जिसने 15 स्वर्ण, 9 रजत और 24 कांस्य पदक जीते हैं। तो ये जो है आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो इंटरप्राइज इंडिया नेशनल कायर को नारियल जटा बोलते हैं, ये कॉन्क्लेव हुआ है अभी हाल ही में 2022 में। तो यह कहाँ हुआ है, बस हमको ये फोकस करना है और कौन आयोजित कराया है। तो यह तमिलनाडु के कोयम्बदूर में हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसका आयोजन MSME मंत्रालय ने किया है। बस हमें इतना इसमें याद रखना है कि कहाँ हुआ है और कौन आयोजन करा रहा है। इसके तहत है क्या, जिससे नारियल जटा से जो उत्पाद बनाए जाते हैं इनके संदर्भ में यहाँ पे बात की गई कि जो कचरा होता है इसको बचाया जा सके और इससे अच्छे उत्पाद बनाए जा सके। देखिए यहाँ पे उत्पाद भी बना के दिखाया है इन्होंने, ये देखिए इधर, ये देखिए चटाई बनी हुई है, ये सारे उत्पाद बनाए हुए हैं यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ फिर NHIFS का डेटा है, यहाँ पे 5 का डेटा है। तो मोटापे का स्तर बढ़ रहा है, मोटापे के स्तर में हमें यहाँ देखना है कि इट ग्रू 21% to 24% एमंग वोमेन, मतलब महिलाओं में पहले यह 21% था फीमेल में, ठीक है, फीमेल में यह 21% था और अब यह 24% हो गया है। और मेल में पहले यह 19% था, 19% और अब यह 23% हो गया। तो 4% जो है मेल में बढ़ा है और 3% महिलाओं में बढ़ा है। तो यह जो इंक्रीज हुआ है वो इस तरह से हुआ, 3% महिलाओं में और 4% पुरुषों में बढ़ा है। इसके बाद इसमें ये लिखा हुआ कि केरल, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, यहाँ पे देखिए केरला, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, गोवा, सिक्किम, मणिपुर, दिल्ली, तमिलनाडु, पांडिचेरी, पंजाब, छत्तीसगढ़ और लक्षद्वीप में लगभग एक तिहाई वोमेन, मतलब 34 से 36% महिलाएँ या तो ओवरवेट हैं या मोटापे का शिकार हैं, अधिक वजनी हैं या मोटापे से ग्रस्त हैं। इतनी बात हम देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये देखना है कि फीमेल में कितना परसेंट बढ़ा है, तो 4% बढ़ा है और सॉरी 3% बढ़ा है और मेल में 4% बढ़ा है। तो हो कितना गया है इसको एक बार फिर से देख लीजिए, 24% यहाँ हो गया है फीमेल में यहाँ पे और मेल में 23% हुआ है। तो महिलाओं में अधिक है 24% है, पुरुषों में 23% है, लेकिन वृद्धि पुरुषों में अधिक हुई है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली में नई स्टार्टअप नीति आई है। तो इस स्टार्टअप नीति में क्या है इसको ज़रा देख लें, तो हम न्यूज़ का ही देखेंगे यहाँ पे, जो हमने न्यूज़पेपर से लिया है इसी पे फोकस करेंगे। तो फोकस्ड एरिया अंडर न्यू पॉलिसी, बस हमको इस वाले को ध्यान में रखना है। और ये जो है आप जब मेंस का आंसर राइटिंग लिखेंगे तो आप इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इसे। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, टेक्निकल इनोवेशन, साइबर सिक्योरिटी, बिग डेटा, एजुकेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, टेक्नोलॉजीज, क्रिएटिव आइडियाज पर्टेनिंग टू एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, रूरल इनोवेशन एंड ई गवर्नेंस, ये सब एरिया जो दिल्ली की नई स्टार्टअप पॉलिसी है इनमें इन सब एरियाज़ को कवर किया गया है। तो ये अच्छे पॉइंट हैं, काफ़ी अच्छे हैं, जब हम SDGs को भी लिखेंगे तो हम इस तरह की दिल्ली की नई स्टार्टअप पॉलिसीज को ले सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली की नई स्टार्टअप पॉलिसी में SDGs को ध्यान में रखा गया है, ठीक है। अब यही सारे पॉइंट नीचे दिए हुए हैं, यहीं पर नीचे पॉइंट दिए गए हैं कि किस किस जो है एरिया पर फोकस करेंगे। इसके बाद प्रियंका मोहिते फिर चर्चा में हैं। तो चर्चा में क्यों हैं, तो इन्होंने 8,000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को
फतह किया है और वह ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। फिर से देख लेते हैं कि 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली प्रियंका मोहिते पहली महिला बन गई हैं। इसलिए ये प्रश्न बनना संभव है, पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है कि पूछने कि हाल ही में कौन 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियाँ चढ़ने वाली पहली महिला बन गई है। तो आप बताएंगे प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते को भी 2020 में एक अवार्ड भी दिया गया था, तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड। इसको देख लेंगे। इस न्यूज़ में इतना ही याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, मणिपुर के पोमई नागा क्षेत्र को नशामुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पोमई नागा क्षेत्र जो हाल ही में नशामुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है, किस राज्य में है। प्रश्न ऐसे बनेगा तो आप बताएंगे कि यह मणिपुर राज्य में है। ठीक है, बस हम इसमें इतना ही देखेंगे कि पोमई नागा जो है जनजातीय क्षेत्र है वह मणिपुर में है, इसे नशामुक्त घोषित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में अभी गुरुदेव रविन्द्र टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले और महाराणा प्रताप की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। ये PIB की न्यूज़ है, ये हमने PIB से लिया है। इसमें हमें इन तीनों महापुरुषों की हिस्ट्री पर फोकस करना है कि भारत में इन्हें किस तरह से किस लिए जाना जाता है। तो पहले हम देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर जी के सबसे छोटे बेटे थे। 1913 में इन्हें साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। इन्होंने 2000 से अधिक गीत लिखे हैं जिन्हें रविन्द्र संगीत के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले को देखेंगे। तो ये राजनीतिक नेता और एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और ये मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी रहे हैं। इसके बाद में महाराणा प्रताप को देखेंगे। तो ये सिसोदिया वंश से संबंधित थे, मेवाड़ के राजा थे और हल्दी घाटी के युद्ध का संबंध महाराणा प्रताप से है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो विश्व रेड क्रॉस दिवस ये कब मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। इसको शांति का नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है। इसके बाद इसकी स्थापना देखेंगे तो इसकी स्थापना सर हेनरी ड्यूना ने इसकी स्थापना की थी। इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। 8 मई को हर साल मनाया जाता है और 2022 की इसकी थीम है बी ह्यूमन काइंड। आज के डिस्कशन की ये लास्ट न्यूज़ थी, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। आज हमने यहाँ तक जो आर्टिकल डिस्कस किए हैं ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं, न केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए बल्कि मुख्य परीक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों को हमने इस न्यूज़ में डिस्कस किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको निश्चित रूप से इससे लाभ मिल रहा होगा। इसके अलावा आपको वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको बता दें कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश PCS की द्वारा आयोजित कराई जाने वाली परीक्षाओं के संदर्भ में विभिन्न कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ राजस्व लेखपाल के लिए भी बैच संचालित किए जा रहे हैं। इसमें भी आप यदि आप इच्छुक हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए किसी भी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपना इनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। अब मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ में, नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।